तो सीसेक्शन या सीजेरियर ट्रारी में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके नाम सीखेंगे। जितने जन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उस इस्तेमाल होते हैं ऑपरेशन पर डिपेंड करता है कि ऑपरेशन वाला इंसान कितना है, छोटा है बड़ा है, उनका साइज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो अहम इंस्ट्रूमेंट है इसमें ग्रीन आर्मिटेज है। ये नॉर्मल औरत का जो ऑपरेशन होता है सी सेक्शन या सीजेरियन, तो कि उसमें तकरीबन 7-8-6 ये ग्रीन आर्मिटेज इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सो इसको कहते हैं टावल क्लिप। ठीक है, और ये टूथ फॉरसेप हैं, दो इस्तेमाल होते हैं। ये डाइसेक्टिंग फॉरसेप हैं, एक या दो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये इंटेस्टाइन फॉरसेप हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं हीलिसिस। हीलिसिस भी तकरीबन 5-6-4 ऑपरेशन पर डिपेंड करता है। यहाँ 6 इस्तेमाल हुए हैं, 6 इस्तेमाल होते हैं। और इसी तरह बिपकाक भी तकरीबन 2 या 4 इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, बिपकाक। ठीक है, और सीज़र तो हर ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है, इसमें 2 या 3 इस्तेमाल होते हैं, इसलिए कि ज़रूरत पड़े इसलिए 2-3 रखे होते हैं। ठीक है, नाइफ हैंडल तो भी हर ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है, और इसमें भी नाइफ हैंडल भी एक इस्तेमाल हो सकता है, होता है। ठीक है, इसको कहते हैं सक्शन ट्यूब, और इसको कहते हैं सक्शन नोजल। ये इसमें डालते हैं और ये सक्शन मशीन में डालते हैं, तो इसमें सक्शन करते हैं। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट आर्टी फर्सेप भी तकरीबन 5-6-8-10 तक इस्तेमाल हो सकते हैं। और ये भी लार्ज आर्टी फर्सेप, इसको क्लेम भी कहते हैं। ठीक है, सो ये भी इस्तेमाल होते हैं 5-6-7-8-9 तक। ठीक है, ये और ये आर्टी फर्सेप भी इस तरह इस्तेमाल होते हैं 5-6-7-8-9 तक। और ये तो नीडल होल्डर है, स्टिच का, इसमें नीडल डालते हैं, स्टिच करते हैं। ये भी हर ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है, और इसमें तकरीबन 2 रखे होते हैं। और ऑपरेशन पर डिपेंड करता है कि स्टिच एक से कौन से नीडल होल्डर स्टिच सही होता है, वो ऑपरेशन सर्जन डिसाइड करता है या सर्जन। ठीक है, और एक अहम और इंस्ट्रूमेंट है इसका, जी सिर्फ गाइनी रिटेक्शन कहते हैं, रिटेक्टर। तो ये भी अहम चीज़ है इसका। ठीक है, ये अहम चीज़ है। डी रिटेक्टर भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है।